महामंत्र नवकार की जय आज हम अपने प्यारे बच्चों के लिए बाल संस्कार ज्ञान तत्व आराधना का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम तत्व ज्ञान की बात करेंगे धर्म ज्ञान की बात करेंगे आत्मज्ञान की बात करेंगे जिन धर्म संबंधी कुछ बातें करेंगे समझने का प्रयास करेंगे विशेष रूप से सभी बालक बालिकाओं के लिए हमारी आत्मप्रिय बहन ध्यान साधिका आत्म आराधिका श्री रजनी जी जैन आर्य उनकी बहुत सुंदर भावना है कि बच्चों के अंदर तत्व ज्ञान की रुचि पैदा हो बच्चों में धर्म का सद्भाव पैदा हो और इसीलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमारे बाबू जी श्री हरि कृष्ण जी उनकी भावना भी इसी प्रकार की है और हमारे भाई विनोद जी जिनका अदम्य साहस भरपूर सहयोग इस चैनल को गतिशील करने में अनवरत चल रहा है तो भाई विनोद जी बहन रजनी जी हमारे बाबू जी श्री कृष्ण जी और भी जो जो लोग लगे हुए हैं इस यज्ञ के अंदर इस आत्म यज्ञ के अंदर कर्म निर्जरा का जिनको अवसर मिल रहा है वो सभी भागी हैं सौभाग्यशाली हैं तो आज का ये हम सेशन बच्चों के लिए बाल संस्कार तत्व ज्ञान आराधना तो प्यारे बच्चों आप और हम कौन हैं आप और हम आप कहेंगे हम इंसान हैं या आप कहेंगे हम बच्चे हैं या आप कहेंगे अपना नाम बतलाएंगे पर आपको एक बात बतलाऊं मैं कि आप और हम आत्मा हैं क्या है आत्मा हम सोल हैं एक होती है बॉडी और एक होती है सोल तो बॉडी कहते हैं शरीर को और सोल कहते हैं आत्मा को सुना है कभी आपने यदि नहीं सुना तो ध्यान से सुनो यदि सुना है तो बहुत अच्छी बात है है ना तो हम क्या है आत्मा बड़ा कौन होता है शरीर होता है हम कहते हैं मेरा शरीर यानी कि मैं अलग हो गया ना मेरा शरीर हम कहते हैं मेरा हाथ मेरे पांव, मेरी आँखें मेरा मुख कहते हैं ना? तो इसका मतलब मैं अलग मेरा अलग जैसे आप कहते हो मेरे पिताजी मेरी माताजी, मेरी बहन मेरा भाई यानी कि आप अलग और वो अलग आपने तभी कहा कि ये मेरा तो आप ही जब अपने लिए बात करते हो तो आप कहते हो मेरा हाथ मेरा पैर मेरी आँख मेरी नाक मेरा सिर है ना मेरा शरीर इसका मतलब आप अलग हो और ये अलग है शरीर अलग है तो बॉडी इज़ mortal और सोल इज़ इमोटल तो आप और हम क्या हैं आत्मा बोलो तो आप और हम क्या हैं आत्मा शुद्ध आत्मा आपने कभी सुना है परमात्मा शब्द सुना है कभी परमात्मा भगवान के लिए कहते हैं ना परमात्मा 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 में परम प्लस आत्मा यानी परमात्मा जो समस्त कर्मों से मुक्त हो गई जिन्होंने अब संसार में नहीं आना ऐसी आत्मा क्या कहलाती है परम आत्मा परमात्मा और हम क्या है आत्मा हमने क्या होना है परमात्मा होना है ना पक्की बात है क्या होना हमने परम आत्मा होना है ना तो परमात्मा होने के लिए हमें आत्मज्ञानी होना होगा क्या होना होगा आत्मज्ञानी होना होगा सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि मैं आत्मा हूं मैं कौन हूं मैं आत्मा हूं सेल्फ नॉलेज आत्मा का ज्ञान मैं आत्मा सब में आत्मा मैं आत्मा सब में आत्मा और दूसरी बात आत्मश्रद्धा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये श्रद्धा पक्का विश्वास दृढ़ निश्चय रखना होगा कि मैं आत्मा ही हूं मैं शरीर नहीं हूं शरीर मिला है किसके लिए मिला आत्मा के कल्याण करने के लिए मिला किसके लिए मिला बोलो तो आत्मा के कल्याण करने के लिए मिला है हमें क्या मिला ये शरीर मिला अब आपसे जब भी कोई पूछे आप कौन हो तो आप बताओगे मैं तो आत्मा हूं है ना पर मेरे शरीर का ये नाम है ठीक है ना मुझे मेरे माता पिता ने यह नाम दिया है पर यह नाम मेरे शरीर का है पर मैं कौन हूँ मैं आत्मा हूँ और सब में वही आत्मा है आत्मा अजर अमर अविनाशी है शरीर का नाश हो जाता है पर आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता समझ में आ रही है ना बात यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आए ना तो आप अपने प्रश्न भेज सकते हो चैनल के माध्यम से और वो प्रश्न आपके हमारे तक पहुंच जाएंगे फिर हम आपके प्रश्नों का समाधान भी करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे किसी भी बच्चे को आत्मा के विषय में कोई शंका हो कोई प्रश्न हो कोई जिज्ञासा हो तो वो ज़रूर हमें पहुँचाए हमारी आत्मप्रिय बहन रजनी जी के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं या किसी और माध्यम से पत्र के माध्यम से फोन के माध्यम से किसी भी प्रकार से तो क्लियर हो गया हम कौन है हम आत्मा है अभी अभी मैंने आपके सामने महामंत्र नवकार का स्मरण किया नमन किया आपको आता होगा अधिकांश बच्चों को महामंत्र नवकार याद है ना है ना याद है तो बहुत अच्छी बात है अगर महामंत्र नवकार अभी याद नहीं है तो प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी याद कर लें महामंत्र नवकार को और आपकी जितनी जितनी उम्र है जितनी जितनी जिसकी उम्र है कम से कम सुबह शाम उतनी उतनी बार तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है महामंत्र नवकार है ना जितनी आपकी उम्र है यदि दस साल के हैं तो दस बार सुबह दस बार शाम को आठ साल के हैं आठ बार सुबह आठ बार शाम को यह आपने नियम बना लेना है कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है और खाने से पहले जरूर चाहे एक बार पढ़ो पढ़ना ही है स्कूल जाने से पहले एक बार पढ़ो पढ़ना ही है कोई भी क्लास में बैठते समय बैठने से पहले एक बार पढ़ो चाहे पर पढ़ना है श्रद्धा से भक्ति से इससे बड़ा लाभ होगा जब आप नौकार मंत्र पढ़ोगे तो आपको अरिहंत परमात्मा की सिद्ध परमात्मा की आचार्य भगवान की उपाध्याय भगवान की और साधु संतों की साध्वी भगवंतों की क्या मिलेगी कृपा मिलेगी उनका आशीर्वाद मिलेगा उनके ब्लैसिंग्स मिलेंगी आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी पढ़ाई आपकी पढ़ाई और अधिक अच्छी हो जाएगी आपको पढ़ाई जल्दी आएगी जब भी आप पढ़ने लगो जब भी नया पीरियड स्टार्ट हो ना तो रिफ्रेश करने के लिए अपने माइंड को एक बार नवकार मंत्र श्रद्धा से पढ़ो बंद आ आंक करके आंखें बंद करके बिल्कुल नमन के भावों से नमो अर्ता नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो वज्रयान नमो लोए सव साहूण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्य सिंह पढ़मंग हवई मंगलं ये पूरा नवकार मंत्र है इसमें नौ पद हैं कितने पद हैं बोलो तो महामंत्र नवकार के कितने पद हैं नौ पद हैं और इनमें मुख्य पद कितने हैं पांच कौन कौन से नमो अर्ण नमो सिद्धान नमो आय्याण नमो उज्रयानंग नमो लोए साव ये पांच पद मुख्य पद हैं इन पांचों को किया गया नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है सभी मंगलों में प्रथम मंगल है हमारे जीवन के अंदर मंगल का आनंद का खुशियों का संचार करने वाला है हमारे जीवन को आनंद से भरने वाला है अपने जीवन को आनंद से भरना चाहते हो यदि आप अपने जीवन को आनंद से भरना चाहते हो पढ़ना चाहते हो अच्छे नंबर लाना चाहते हो माता पिता के अच्छी संतान कहलाना चाहते हो माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे कहलाना चाहते हो अच्छे बच्चे बनना चाहते हो बनना चाहते हो कि नहीं अच्छे बच्चे बनना चाहते हो तो अच्छे बच्चे बनने के लिए आपको क्या करना होगा महामंत्र नवकार का स्मरण करना होगा और एक काम और जब भी आप सुबह उठो तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको सबसे पहले मिलते ही क्या कहो पिताजी जय जिनेन्द्र माताजी जय जिनेन्द्र भैया जय जिनेन्द्र दीदी जय जिनेन्द्र चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है सबको आपने प्रेम से क्या कहना है जय जिनेन्द्र क्या कहना है जय जिनेन्द्र जिन कहते हैं भगवान को जिन कहते हैं भगवान को जिन्होंने राग और द्वेष पर विजय पा ली जिन्होंने राग यानी अटैचमेंट द्वेष यानी अवर्षण जिन्होंने लव एंड हैट्रेड इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली ऐसे भगवान जिन भगवान की जय हो है ना इसका मतलब यही है कि जिनेन्द्र भगवान की जय हो जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जिन्होंने अपनी सेंसेस पर विजय प्राप्त कर ली जिन्होंने अपने मन को जीत लिया प्रभो हम भी अपनी इंद्रियों को जीते अपने मन को जीते तो सुबह सबसे पहले उठते क्या कहना है आपने, जय जिनेन्द्र सभी को है ना जय जिनेन्द्र गुड मॉर्निंग कहने मना नहीं करती आपको क्योंकि अभ्यास किसका है सुबह उठते है, अगर आप कहते हो तो क्या कहते हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पापा है ना बोलते हो ना गुड मॉर्निंग मम्मा पर आप बोलो कोई बात नहीं पर साथ में जय जिनेन्द्र भी पहले क्या बोलो पिताजी जय जिनेन्द्र फिर प्यार से बोल दो गुड मॉर्निंग पापा कोई दिक्कत नहीं है है ना लेकिन जय जिनेन्द्र जरूर बोलो भगवान का नाम सुबह सुबह जरूर लो जैसे ही आप उठते हो मिलते हो तो आपने जय जिनेन्द्र बोलने की आदत बनानी है और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भी क्या कहना है क्या कहना है कि बोलो जय जिनेन्द्र क्या बोलना है जय जिनेन्द्र याद हो गया जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र ठीक महामंत्र नवकार का स्मरण करना है जिसकी जितनी जितनी उम्र है उतनी उतनी बार सुबह शाम पढ़ना है और खाने से पहले एक बार चाहे पढ़ो तीन बार पढ़ो पांच बार पढ़ो पढ़ना जरूर है चाहे एक बार पढ़ो घर से निकलने से पहले एक बार पढ़ना है क्लास में बैठ के एक बार पढ़ना है हर पीरियड से पहले इसको अंग संग बना लो अपने जीवन का एक साथी बना लो एक सच्चा साथी बना लो जब भी आपको डर लगे तो क्या पढ़ना नवकार मंत्र पढ़ना और नवकार मंत्र पढ़ोगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं पक्की बात प्रॉमिस आप करके देखना जैसे ही आप नवकार मंत्र पढ़ोगे आपके जीवन से डर भाग जाएगा डर भाई बाय कर देगा डर लगेगा ही नहीं अगर आपको रात को सोते समय एकदम से डर लगता है तो आप क्या करो तुरंत क्या पढ़ो नवकार मंत्र पढ़ो फिर आप देखना इसका चमत्कार है ना फिर आपको डर नहीं लगेगा श्रद्धा से पढ़ना भक्ति से पढ़ना ईमानदारी से पढ़ना है ना प्रामाणिकता के साथ ऑथेंटिक बनकर ऑथेंटिसिटी के साथ झूठ नहीं बोलना पढ़ा है तो पढ़ा है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं फिर प्रयास करना फिर ध्यान में रखना याद रखना कि मैंने क्या करना है नवकार मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है और औरों को भी प्रेरणा प्रेरणा देनी है क्योंकि नवकार मंत्र पढ़ने से जीवन में आनंद की बरसात होगी जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी क्योंकि नवकार मंत्र पढ़ने से आपकी पढ़ाई पहले से भी सुंदर हो जाएगी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप करके देखना नवकार मंत्र का स्मरण करके देखना सब कुछ अच्छा होगा सब कुछ ठीक है अच्छा और जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकर हैं आपने सुने जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकर सुना है नाम भगवान महावीर का नाम सुना है ना तो वो जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर हैं कौन से ट्वेंटी फोर्थ अच्छा एक बात और आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले होंगे तो उनको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से काउंटिंग आती होगी पर मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आप हिंदी में भी सीख लें कम से कम चौबीस तक तो जरूर सीख लें है ना? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अपने मा, माता पिता से सीख लें घर में भाई बहन से सीख लें तो हम कैसे सीखेंगे त्रिशंकरों के नाम पहले श्री ऋषभ देव जी कैसे बोलो तो पहले श्री ऋषभ देव जी पहले श्री ऋषभ देव जी इन्हीं का दूसरा नाम है श्री आदिनाथ जी तो पहले श्री ऋषभ देव जी या पहले श्री आदिनाथ जी ठीक पहले श्री ऋषभ देव जी दूसरे श्री अजित नाथ जी दूसरे श्री बोलो तो दूसरे श्री अजित नाथ जी पहले श्री ऋषभ देव जी दूसरे श्री अजितनाथ जी तीसरे श्री संभवनाथ जी एक बात और कहूँगी आपको भगवान के नाम आपने नंगे मुंह नहीं बोलने आपने मुख पर चाहे हाथ रख लो चाहे मुख पर कपड़ा रख लो रुमाल रख लो चाहे ये मुख वस्त्रिका अगर लगानी है तो लगा लो जो आपका दिल करे वो कर लो आप पर नंगे मुंह आपने ये ना तो नवकार मंत्र बोलना ना आपने जय जिनेन्द्र आपने मुँह ढक्कर ही कहना है हाथ जोड़कर भी अगर कहोगे तो ऐसे कहना है माताजी जय जिनेन्द्र पिताजी जय जिनेन्द्र विवेक से बोलना है है ना यत्ना से बोलना है और नवकार मंत्र भी मुँह ढक्के बोलना है और भगवान के नाम भी आपने मुँह के ही बोलने हैं नंगे मुँह बिल्कुल भी नहीं बोलने तो मेरे साथ बोलो पहले श्री ऋषभ देव जी पहले श्री ऋषभ देव जी दूसरे श्री अजित नाथ जी दूसरे श्री अजित नाथ जी तीसरे श्री संभव नाथ जी तीसरे श्री संभव नाथ जी तीसरे श्री संभव नाथ जी चौथे श्री अभिनंदन नाथ जी चौथे श्री अभिनंदन नाथ जी चौथे श्री अभिनंदन नाथ जी पांचवे श्री सुमति नाथ जी पांचवे श्री सुमति नाथ जी छठे श्री पदम प्रभु जी छठे श्री पदम प्रभु जी तो ये एक से लेकर छे तक नाम आपने रट लेने हैं अच्छे से रट लेने हैं है ना क्रैम कर लेना इनको पहले श्री ऋषभ देव जी इसकी राइम बना लेना पहले श्री ऋषभ देव जी दूजे श्री अजित नाथ जी तीजे श्री संभव नाथ जी चौथे श्री अभिनंदन नाथ जी पाँचवें श्री सुमति नाथ जी छठे श्री पदम प्रभु जी तो ऐसे आपको आसान हो जाएगा और याद करने के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो उसके बाद याद करना शुरू करो पहले श्री ऋषभ देव जी एक से लेकर छः तक आओ फिर इसको उल्टा करो छठे श्री पदम प्रभु जी पांचवे श्री सुमति नाथ जी चौथे श्री अभिनंदन नाथ जी तीसरे श्री संभव नाथ जी दूसरे श्री अजित नाथ जी पहले श्री ऋषभ देव जी ऐसा करने से आपको एकदम पक्का हो जाएगा आपको बीच में से भी कोई पूछेगा ना दूसरे श्री आप फटाफट बोलोगे अजित नाथ जी आपसे बोलेगा चौथे श्री आप बोलोगे अभिनंदन नाथ जी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा एकदम फिट हो जाएंगे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए है ना तो आप स्वयं भी सीखें और अपने घर में जितने सदस्य हैं हो सकता है आपके घर में जितने बड़े लोग हैं उनको भी शायद चौबीस तीर्थंकरों के नाम सबको याद ना हो तो आप खुद भी सीखो और अपने पेरेंट्स को भी सिखाओ साथ में प्रतिदिन का ज्ञान उनसे शेयर करो है ना यदि उनसे आता है तो रिवाइज करो यदि उनको नहीं आता तो आप उनको सिखाओ आपका भी ज्ञान पक्का हो जाएगा तो आज इतना ही है ना इन सभी बातों का ध्यान रखना सुबह उठते ही सभी को जय जिनेन्द्र कहना जितनी जितनी आपकी उम्र है उतनी उतनी बार नवकार मंत्र पढ़ना हर कार्य करने से पहले चाहे एक बार पढ़ो नवकार मंत्र जरूर पढ़ना और उसके बाद यह हमारा रोज का चलेगा बाल संस्कार तत्व ज्ञान आराधना इसके अंतर्गत आपको महामंत्र नवकार के हर पद का अर्थ पता चलेगा आज आपने सीखा महामंत्र नवकार के कितने पद हैं नौ पद हैं मुख्य पद कितने हैं पांच हैं आने वाले दिनों में इसका अर्थ हम सीखेंगे जानेंगे समझेंगे इनता I'm yeah, all... चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मोक्षाभिलाषी भव्य आत्माओं काफी दिनों से आत्मा के संदर्भ में चर्चा चल रही है आत्मज्ञानी बनो आत्मदर्शी बनो नमो नानस नमस्कार हो सम्यक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान को सही ज्ञान को राइट right नॉलेज क्या है सही ज्ञान आत्मा का ज्ञान मैं आत्मा हूँ ऐसा परिज्ञान होना कई बार व्यक्ति परमात्मा की तो लंबी चौड़ी बातें कर लेता है परमात्मा का ध्यान कर लेता है परमात्मा के गुण कीर्तन कर लेता है पर आत्मा का ख्याल ही नहीं आता और कोई पूछे क्या बिना आत्मा के परमात्मा हो सकता है बोलो आत्मा शब्द यदि निकाल लो तो परमात्मा में क्या बचेगा परम बचेगा परम परम क्या जैसे एक लाख में से अगर एक हटा दो तो अस्तित्व है जीरो का अगर एक को ही हटा दिया है क्या बोलो जैसे एक के बिना जीरो का अस्तित्व नहीं है ना ऐसी आत्मा के बिना परमात्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है आत्मा है तो महात्मा है आत्मा है तो परमात्मा है आत्मा जैसे कि आप बी एम में तो कर लो और वर्णमाला का ज्ञान ही ना हो एम ए पी एच डी कर लो अल्फाबेट्स का पता ही ना हो टर्न बाय टर्न हर चीज का ज्ञान होना परम आवश्यक है अगर आपने आत्मा का ज्ञान कर लिया आत्मा का परिज्ञान हो गया हालांकि आत्मा के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है आत्मा का विषय जो है वो अत्यंत विस्तृत है निसीम है व्यापक है संपूर्ण साहित्य आत्मा के लिए है चाहे वो धर्मशास्त्र हो दर्शन शास्त्र हो शास्त्र हो व्याकरण हो छंद हो साहित्य हो अलंकार हो काव्य हो कोश हो ज्योतिष शास्त्र हो गणित का विषय हो या कोई भी ग्रंथ हो किसी भी विषय में सब आत्मा के लिए है आत्मा है तो इनका अस्तित्व है यदि ना आ, आत्मा ना होती तो ये कहाँ से आते कौन तो इनका निर्माण करता किसके लिए करता आत्मा से भिन्न तत्व यदि कोई है तो वो जड़ है चेतना शून्य है आत्मा से भिन्न जड़ है चेतना नहीं है जहां अज्ञानता है अज्ञानमय है चेतना ज्ञानमय है, ज्ञायक ज्ञाता जानने वाला और ज्ञान ज्ञातव्य जानने के योग्य ज्ञ जानने योग्य ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे सब क्या है आत्मा आत्मा ही ज्ञाता है आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा ही ग्ञ है आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है आत्मा को इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता इसीलिए कहते हैं ध्यान करो ध्यान में बैठो आंखें बंद करो अंतर्मुखी बनो आत्मावलोकन करो देखो, जानो। एंड ऑफ दर्सन कॉन्टेम्पलेट दस वट नॉबल डीज है एंड ऑफ द डे एन अवेकेंट परसन कॉन्टेम्पलेट्स दस वट डन एंड हैट हैव आई नॉट डन वट हैव आई डन एंड वट हैव आई नॉट ड वट गुड डीड्स रिमेन टू बी डन वट गुड डीड्स रिमेन टू बी डन विच आई कुड हैव बट नॉट अकम्प्लीस्ड विच आई कूड हैव बट नॉट अकम्प्लीस्ड मैं आचरण नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे कौन से कार्य हैं, जिनको मैं जानता हूँ मानता हूं पर स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं एट द एंड ऑफ द डे एन अवेकेंट पर्सन एक जागृत आत्मा जो अलर्ट है अवेयर है वह चिंतन करे मैंने क्या किया वट डन वट गुड डीड्स रिमेन टू बी डन कौन से ऐसे अच्छे कार्य है जो आप करने लिए करने के लिए मेरे लिएफिकल्ट टू रियलाइज द सोल माना कि यह बड़ा दुर्लभ है आत्मा का ज्ञान होना ओनली विथ सफरिंग द सोल इज रियलाइज जब दुखों के बादल मंडराते हैं ना तो आत्मा में जागृति बहुत जल्दी आती है जब चारों तरफ से दुखों के बादल छाए हो ना तो आत्मा में ज्ञान की जागृति बहुत जल्दी आती है और व्यक्ति ये बड़ी जल्दी समझ लेता है कि एगो में सासो अपा नानदन सन संजुओं सेसा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखणा माई सोल विद नॉलेज

जब आत्मा कर्मों से मुक्त कर्मों से मुक्त हो जाएगी तो हमने भी क्या होना है आत्मा से परमात्मा होना है और आत्मा से परमात्मा यदि होना है तो हमें आत्मज्ञानी होना होगा आत्मदर्शी होना होगा इस विराट सृष्टि का अद्वितीय सम्राट यदि कोई है तो वो कौन है आत्मा कौन है बोलो तो आत्मा आत्मा के अभाव में सृष्टि की क्या स्थिति होगी जरा कल्पना करना ख्याल करना जड़ शून्य निष्पन्द पदार्थों का ढेर मात्र ये जितनी उथल पुथल चहल पहल दृष्टि गोचर होती है वे किसके कारण है केवल और केवल आत्मा के कारण है आत्मा की बदौलत है समस्त संसार के वांगमय का मुख्य और प्रतिपाद्य विषय क्या है आत्मा ज्ञानियों ने आत्मा को प्रधानता देते हुए फरमाया है आत्मा का विषय अतिशय गंभीर है मौलिक है उपयोगी है विचारणीय है अन्य सभी इसी पर निर्भर है तथ्य सत्य तो ये है जिसने आत्मा को संपूर्णतया जान लिया समझ लिया परिज्ञान कर लिया उसे सभी पदार्थ समझ में आ जाते हैं जैसा कि आपको पहले भी कहा था जे एगंग जाने ही से ही जानेई सबंग जाने जानेई से एगंग जाने जिसने एक को जान लिया उसने सब को जान लिया जिसने सब को जान लिया उसने एक को जान लिया पर एक को जाने बिना सबको जाना नहीं जा सकता पहले एक को जानना होगा और यह सूत्र जो है जितने भी सूत्र होते हैं कहते हैं सूचनात् सूत्रम सूचित करते हैं अक्षर अल्प होते हैं अर्थ विशाल होता है गहन गंभीर होता है जो तत्व जिज्ञासु एवं मुमुक्षु पुरुष केवल और केवल एक आत्मा का परिज्ञान कर लेता है क्योंकि आत्मा का ज्ञान होना परमावश्यक है जिसने आत्मा को जान लिया उसने शेष सभी पदार्थों को जान लिया आत्मा ही परमात्मा है ये जान लिया कर्म रहित तो आत्मा ही परमात्मा है इस बात का बोध पा लिया आत्मा ही सबका केंद्र है जिसमें एक को जानने की शक्ति है वही आगे सब कुछ जान सकता है जिसने एक को नहीं जाना वह दो तीन चार पाँच छ सात कितना ही जान ले पर यदि एक नहीं जाना पहला अंक नहीं जाना तो क्या जाना कुछ भी नहीं जाना इसीलिए जब तक आत्मा को नहीं जाना कितने ग्रंथ पढ़ लो कितने शास्त्र पढ़ लो कितने विद्वान बन जाओ कितने बड़े पंडित बन जाओ कितनी डिग्रियां हासिल कर लो कुछ भी कर लो लेकिन यदि आत्मा को नहीं जाना तो कोरे रह जाओगे कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं ना वो कहते हैं हमने बाहर तो सब कुछ जाना पर स्वयं को स्वयं को नहीं जाना प्रभु अगला भाव जो मिले तो मैं स्वयं को जानू स्वयं की खोज करूं स्वयं को समझूं स्वयं को पहचानूं क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है और जो स्वयं को नहीं जानता वह सब कुछ जान कर भी कुछ भी कुछ भी नहीं जानता तो इसलिए आत्मज्ञानी बनने का लक्ष्य रखें आत्मज्ञानी बने आत्मदर्शी बने समय रहते जाग जाएं कहीं ऐसा ना हो कि जीवन का एक एक पल जीवन का एक एक पल समाप्त हो जाए जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही चली जाएं व्यर्थ हो जाएं निरर्थक हो जाएं कहीं ऐसा ना हो समय रहते आप और हम जाग जाएं आत्मज्ञाता बन जाएं आत्म को ध्यान आत्मा का ध्यान करने वाले बने 24 घंटे आत्मा के ध्यान में रहें प्रति पल प्रतिक्षण भोजन करें तो क्या चिंतन करें शरीर भोजन ग्रहण कर रहा है मैं तो आत्मा हूँ देखने वाला और जानने वाला भोजन कौन ग्रहण कर रहा है शरीर बोल रहा है तो शरीर मैं तो केवल देख रहा हूँ और जान रहा हूँ चल रहे हो तो शरीर चल रहा है मैं तो केवल आत्मा हूँ देखने वाला शरीर आंखें देख रही हैं मैं तो केवल आत्मा हूँ हर क्रियाकलाप में क्या जोड़ दो मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मेरा स्वभाव देखना जानना मेरा स्वभाव देखना और जानना आत्मा ही परमात्मा मैं आत्मा और आत्मा ही परमात्मा ऐसी लगन लग जाए जैसी मीरा की लगन थी ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन वे तो गली गली हरी गुणे गाने लगी गाने लगी हम भी आत्मा आत्मा की धुन लगा लें महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी हम आत्मा आत्मा की धुन लगाएं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी मनाने लगी वो तो गली गली वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी गाने लगी हम आत्मा की धुन लगा लें इसी प्रकार राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी समाने लगी दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी गाने जैसे मीरा की हर्षवास में गोविंद बस गए थे ऐसे हमारी श्वास में क्या आ जाए मैं आत्मा हूँ डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल कई बार हम आत्मा की बातें तो कर लेते हैं आत्मा की चर्चा तो कर लेते हैं रस तो बड़ा ले लेते हैं पर जब प्रैक्टिकली जब हमारे जीवन में कोई रोग आता है तो क्या कभी ख्याल किया कि ये रोग शरीर पर आया है मैं तो आत्मा हूं जब भूख लगती है तो ख्याल आया कि ये भूख शरीर मन को लग रही है शरीर के लिए है पर मैं तो आत्मा हूं हर बात में दुख आया शरीर को आया मैं क्या हूं, आत्मा हूं। हर बात में संबंध शरीर के हैं मैं आत्मा हूं। हर पल स्मृति में रखना है प्रति पल जागना है जागना है जागना है जागने की वेला है सोने की वेला मोह की नींद में सोना सोना नहीं है कहीं ऐसा ना हो जीवन बड़ा क्षण भंगुर है समय हाथों से निकल जाए स्वर्णिम अवसर निकल जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाए फिर कहीं वो नत्था सिंह जी की पंक्तियाँ ना बड़ी गजब की पंक्तियाँ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया कहीं ऐसा ना हो जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया ऐसा तो नहीं करना ना जागना है ना जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया दिल की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा कब जब बूढ़े तन के हर कुरजे पे जंग आया जरा जावना पीड़य वाही जावना ना हायंती ताव धम्मंग समायरे जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती जब तक शरीर में आदि व्यादि नहीं आ जाती उससे पहले धर्म का क्या कर लो आचरण कर लो धर्म को अपना संगी साथी बना लो जीवन का कल्याण कर लो फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त मांगा उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया कल बताया था ना कि वो चाबी कभी धन की कभी सत्ता की कभी संतान की लगातार और जब धर्म की चाबी का नंबर आया तो घंटा बच गया ऐसा ना हो हमारी भी मृत्यु का वारंट कट जाए और हम सोए के सोए रह जाएं हम समय से पहले जाग जाएं हमारी चिता जले शरीर की चिता जले मरण शमशान की राख बने उससे पहले हम इस शरीर का सदुपयोग कर लें हमने पता नहीं कितने जन्मों को कितने जन्म शरीर के लिए आत्मा को हमने कर्मों से बोझिल बना लिया आओ आज हम संकल्प लें कि इस बार हम आत्मा के लिए इस शरीर का उपयोग करेंगे अपने लिए अपनी आत्मा के लिए इस शरीर का सदुपयोग करेंगे मोहनीय कर्म का छेदन भेदन करेंगे उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया ने न था सिंह जब हथियार फेंक डाले यमराज फौज लेके करने को जंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया हम समय रहते आत्मज्ञानी बन जाएं आत्मद्रष्टा बन जाएं आत्म, आत्म प्रतीति आत्मरुचि को महत्व दें, स्वयं को जाने स्वयं को पहचाने ये मानव का भाव बड़ा दुर्लभ है ये चिंता मणिरतन कल्प वृक्ष काम धेनु के समान है जो चाहोगे वो मिल जाएगा जो चाहोगे जो हम चाहते हैं ना हमें वही मिलता है एज यू थिंक सो यू बिकम तुम जैसा अपने आप को बनाना चाहोगे वैसा ही बनते चले जाओगे कोई लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कहते हैं कुछ भी नहीं असंभव जग में सब संभव हो सकता है कार्य है तू यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है जीवन है नदिया की धारा जब चाहो मुड़ सकती है नरक लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है बंधन बंधन क्या करते हो बंधन मन के बंधन है सांस करो उठो झटका दो बंधन क्षण के बंधन है बंधन क्षण के बंधन हैं हम कर्म के कर्म के बंधनों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो जान ले मान ले क्या ये माना कि जीवन हमें मिल मगर ये न सोचा मिला किस लिए है मगर ये न सोचा मिला किस लिए है ये चोला बड़ा ही है अनमोला ये चोला बड़ा ही है अनमोला मगर ये न सोचा मिला किस लिए है ना खुद को पहचाना ना मंजिल को जाना संवर ना न जाना बदलना न जाना हो संवर ना न जाना बदलना न जाना ये मौका सुनहरी यूं ही गमाया तो अब इसका शिकवा गिला किस लिए है ये माना कि जीवन हमें मिल गया है मगर ये न सोचा मिला किस लिए है मानव का भाव मिला है मानवता को पाने के लिए इंसान बने हैं इंसानियत को हासिल करने के लिए आत्मा है परमात्मा होना है परमात्मा होना हमारी नियति है इन सभी बातों को ख्याल में रखें आत्मज्ञानी बने आत्मद्रष्टा बने इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबका खूब खूब मंगल हो ओम शांति ओम शांति